हेलो एवरीवन सो वेलकम बैक सीटा अगेनर्स अगेन और आज हमारा डे फोर्टी फाइव है चैलेंज का और आज बेसिकली मैंने जो कल आपको बोला था वीडियो में उसी हिसाब से फॉलो किया है कल जैसे कि मैं वीडियो में बोल रहा था कि मार्केट को मैं प्लान कर रहा हूं कि डायरेक्शनली मार्केट एक अपर मूव की साइड मूव हो एंड उस चीज़ में मैं क्या करूँ मैं बेसिकली उसको फॉलो अप करूँ इन अ डायरेक्शनल वे तो फ्रॉम द मॉर्निंग ओनली आप देखोगे मैं टेलीग्राम पे यही बोल रहा था कि मैं डायरेक्शनल ट्रेड्स के लिए टारगेट रख रहा हूँ आज का और पुट्स को बेचने का ट्राई करूँगा ठीक है तो फ्रॉम मॉर्निंग ओनली मैं मैंने उसी बेसिस पे ट्रेड किया ठीक है तो अभी मैं आपको सारे ट्रेड्स दिखाता हूँ कैसे क्या हुए आज और आज हमने ऑलमोस्ट हाइएस्ट टारगेट अपना कंप्लीट किया है इन द इंटरडे चैलेंज ठीक है और हमारा इक्विटी कर वापस से ऑल टाइम हाई पे अभी चला गया है फोर्टी डे था और ऑलमोस्ट हमने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया एज़ पर द परसेंटेज इट इज़ ऑलमोस्ट नियर टू टू के आसपास है एंड इट्स गुड ठीक है तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा वन बाई वन एंड कैसे आज जो मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल वॉलीटिलिटी थी ये थोड़ा सा जो ये वॉलीटिलिटी आपको यहाँ पर दिख रही है मार्केट ने दोनों साइड के ऐसे लिए और हर तरीके से बट मैं जब तक मुझे फाइनल नहीं लगा कि मार्केट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा तब तक मैं आखिरी मिनट तक टिका रहा एंड आई ट्राइड कि मैं अपनी डायरेक्शन में सही रहूँ तो मुझे पैसा मिले सिंपल ठीक है तो अभी जो लोग नए हो यूट्यूब पे पहली बार देख रहे हो तो थीटा गिनर्स को आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो और आपको अगर चैलेंज फॉलो करना का तो आप टेलीग्राम पे जाओ वहाँ पे थीटा गिनर्स को फॉलो कर सकते हो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है मैं यहाँ पे आ, स्क्रीन वगैरह और ये प्रॉफिट एंड लॉस ज़्यादा इसलिए नहीं डालता हूँ क्योंकि कैपिटल थोड़ा हाई है और आप उसको कब एक तरीके से उसको ले रहे हो या कब नहीं ले रहे हो ट्रेड्स तो वो मिक्स मैच होने की वजह से ना कई लोगों का मिसिंग हो जाता है और मैं यहाँ पे बराबरी से सारा अपडेट नहीं कर पाता तो ऐसा ना हो कि किसी को प्रॉब्लम हो चीज़ें हासिल करने में इसलिए मैं ओनली व्यूज़ ज़्यादातर रखता हूँ यहाँ पर एंड सारा कुछ वीडियो में एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ तो वीडियो को देख के सीखने का ट्राई करो जस्ट टेलीग्राम से कॉपी करने का ट्राई मत करो वरना कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है ठीक है तो चलो पहले मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ फ्रॉम द पर्पज़ ऑफ़ यहाँ से बेग अकाउंट से ही स्टार्ट करते हैं अपन ठीक है ये मैं ये वाला क्लोज़ कर देता हूँ ये आज का अपना बेग अकाउंट है ठीक है आप देखोगे बेग अकाउंट में आज हमने ऑलमोस्ट फिफ्टी थाउजेंड बनाएं ऑलमोस्ट वैसे फिफ्टी फाइव तक गया था बट मैंने लास्ट तक सोचा कि ट्रेंड को राइड करते हैं तो एट द एंड थोड़ा सा नीचे आ गया क्वान्टिटी थोड़ी ज़्यादा थी ठीक है तो मैं आपको ऑर्डर वाइज सारा दिखाता हूँ ठीक है आज मैंने ऑलमोस्ट मतलब ठीक ठाक ट्रेड किया ठीक है मॉर्निंग से आप देखोगे 926 के, के आसपास मैं पी बेचने के लिए रेडी था ठीक है तो 926 आज मैं निफ्टी में इसलिए कर रहा था क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत वॉल्टाइल लग रही है और ऑप्शन मतलब स्विंग कर रहे हैं मतलब बहुत ज्यादा एम टी स्विंग आ रहा है और उसके वे ना एस फिर करेक्टली नहीं जा पा रहे अपने ठीक है तो आप यहाँ पे देखोगे नाइन तो ऑलमोस्ट इस रेड कैंडल पे या आप बोलो इस ग्रीन कैंडल पे आप देखोगे फाइव मिनट ये देखो यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट ने ये जो रेड कैंडल दिख रही है ना इसका एक ग्रीन पार्ट बनाया था मार्केट ने ठीक है तो 926 पे इस कैंडल पे जब मैंने देखा कि मार्केट एक बड़ी ग्रीन कैंडल है उसके बाद सेंटर में खुला है कल के कल के जो अपनी ट्रेड थी ना कल मार्केट जितने में ट्रेड की थी उसके अंदर ओपन हुआ ठीक है तो फ्लैट ओपनिंग थी तो सिंपल सा लॉजिक था कि मैं उसको एक तरीके से डायरेक्शनल प्लेस ले करना चाह रहा था कि इतने दिनों दिन से गैप डाउन गैप अप गैप डाउन गैप अप हो रहा है आज मार्केट बीच में मिला है अब मार्केट यहाँ से जिधर ब्रेकआउट करेगा उधर मैं ट्रेड करूंगा ठीक है बेसिक फंडा यहाँ पे मैंने नाइन पे मैंने ट्रेड डाली क्या सेवन का पुट सेल वन फोर्टी पे ठीक है थाउजेंड क्वान्टिटी मार्केट यहाँ से ऊपर गया अच्छा खासा यहाँ पे लगभग मुझे ट्वेंटी वन थाउजेंड का प्रॉफिट दिख रहा था इस जगह पे ठीक है मार्केट नीचे की तरफ आगे आगे ना मैं बुलिश हूँ ना समझ रहे हो ना मैं बुलिश हूँ और बुलिश वाला जो बंदा होता है ना वो उसको इतनी आसानी से नहीं काटता उसको ये रहता है मार्केट कब बचेगा कब बचेगा तो जब मार्केट देखो यहाँ पे मुझे लगने लगा कि मार्केट जिस जगह से उठा था उस जगह पे वापस आ रहा है तो मैंने उसी एरिया के आसपास वापस से अपनी ट्रेड काट दी तो आप देखोगे 1042 पे मैंने वो सेम ट्रेड को काट दिया तो लेट्स सी 1042 फोर्टी टू टेन फॉर्टी टू मतलब ये कैंडल ये देख रहे हो ये वाली रेड जो कैंडल है इसमें जब मार्केट वापस से वहीं आ गया तो मैंने अपनी ट्रेड काट दी मैं क्यों रुकू भाई तो मैंने यहाँ पे थोड़ा लॉस बुक किया आप देख रहे हो लगभग ट्वेल्व थाउजेंड के आसपास का लॉस यहाँ पे मैंने बुक किया अगेन आफ्टर लाइक एट मिनट्स मैंने सोचा कि एक स्ट्रडल डालते हैं तो आप देखोगे मैंने एक सेल मारा है कॉल का एक सेल मारा है पुट का मैंने टेन फिफ्टीन एट फिफ्टी का पुट फिफ्टीन एट फिफ्टी का कॉल दोनों मारे एक वन नाइनटी में एक टू वन सेवन रुपीज में कहेंगे टू वन सेवन रुपीज में दोनों सेवन हंड्रेड सेवन हंड्रेड क्वानिटी थे दोनों को मैंने सेल मारा किस जगह पे इस जगह पे अब क्यों देखो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सोचना मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई यहाँ पे एक फ्लैग बनाया ऊपर की तरफ गई मैं बुलिश हूँ ठीक है बुलिश होने के बाद मार्केट वापस से यहाँ पे आई है ना तो बुलिश से वापस रिट्रेसमेंट मेरे लिए अब ये साइडवेज एरिया है एंड देन मार्केट ऐसे जाएगी दिस इज़ द बेसिक प्राइस एक्शन जो मैं फॉलो करता हूं ठीक है मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं जा रही है या फिर इसके 50 परसेंट के नीचे नहीं जा रही है तो तब तक के लिए मेरे पास बुलिश फॉर्मेशन है ठीक है तो मैंने यहां पे एक स्टेडल डाल दिया क्लियर ना स्टेडल डाला अब देखो क्या होता है मार्केट ने एक्चुअली वो फॉलो नहीं किया और मार्केट 50 परसेंट से ज्यादा नीचे चली गई तो अब यहाँ पे देखो देखो मैंने 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 क्या किया दोनों वो जो था उसको 1056 1056 1056 विद इन मिनट्स काट दिया मैंने 10 पे देखो, मतलब ये कैंडल ये देखो ये वाली कैंडल जहां पे मार्केट बिल्कुल 50 परसेंट लोग के नीचे निकल गई तो मेरे हिसाब से ये पक्का था कि अब नहीं अब मार्केट में दिक्कत हो रही है अब क्या करें तो अब मैं यहाँ पे आया और मैंने अपना बेसिक फंडा अपनाया बेसिक फंडा बोले तो क्या अगेन मैं आ गया अपने नॉर्मल सिनेरियो में जहां पे मेरा एक ही काम है क्या करना स्ट्रैंगल ट्रेड करना तो इस प्लेस पे मैंने दूर के स्ट्रैंगल बनाए मार्केट चल रहा है फिफ्टीन सेवन हंड्रेड समथिंग तो मैंने क्या किया मैंने मार्केट में वेट फॉर इट एट फिफ्टी एट फिफ्टी बाई ये देखो टेन फिफ्टी सेवन पर क्या किया मैंने मैंने एक पुट बेचा फिफ्टीन फाइव हंड्रेड और मैंने एक कॉल बेचा सिक्सटीन वन हंड्रेड दोनों की प्राइसिंग नियर टू नाइन्टी रुपीज़ थी दोनों नाइन्टी रुपीज़ के आसपास मैंने बेचे ठीक है उसके बाद थोड़ी देर में क्या हुआ मार्केट थोड़ा नीचे गिरी मार्केट नीचे गिरी तो मैंने क्या किया ग्यारह बज के दो मिनट पे अपना कॉल बुक किया ये देखो बाई और उसको नीचे लेके आया पचास पॉइंट ठीक है मैंने पुट की प्राइसिंग से उसको मैच किया थोड़ी देर के बाद मैंने ये कॉल भी बुक किया और नीचे लेके आया ठीक है फिर मैंने ये भी बुक किया और नीचे लेके आया फिर सेम कॉल मैंने फिर बुक किया और नीचे लेके आया ठीक है कॉल को मैं स्लाइड करता जा रहा हूँ ठीक है आप यहाँ पे देखो इलेवन तक मैंने कॉल नीचे की तरफ लाता चला गया ठीक है अब देखते हैं इलेवन तक क्या हुआ है ये देखो ये बिल्कुल लो है इलेवन फिफ्टी फोर का जहां पे मार्केट ने आज लो क्रिएट किया और यहाँ पे नीचे थोड़ी सी वॉल्यूम भी थी ठीक है अब इसके बाद मार्केट वापस से ऊपर खींचने लगा और मेरा लॉस इस जगह से इंक्रीज होने लगा क्योंकि मैं शिफ्टिंग ही कर रहा हूँ खाली तो एलेवन फिफ्टी फोर तक शिफ्टिंग हुई और निफ्टी बीच मैंने बाय करने के डेराला बट फिर मैंने सोचा कल वेडनेसडे थर्सडे थोड़ा सा फ़ायदा उठा के फिर इन्वेस्ट करते हैं ठीक है तो फिर उसके बाद मैंने अब यहाँ पे क्या किया मैंने अपना पुट पुट ऊपर लेने का सोचा तो मैंने फिफ्टीन फाइव हंड्रेड का पुट वापस से बाईबैक किया और सोचा कि फिफ्टीन सेवन हंड्रेड पे चला जाऊं ठीक है अब क्या हुआ रिजेक्ट हो गया करूँ क्योंकि मैंने नॉर्मल ऑर्डर डाल दिया और मार्जिन कम पड़ गया तो मैंने बारह तीस पर वापस से पंद्रह नौ सौ का जो कॉल था उसको बाई किया और जो ट्वेल्व थर्टी थ्री फिफ्टीन फाइव हंड्रेड का पुट भी बाईब कर लिया तो अब मेरे पास एक्चुअली कोई पोजीशन नहीं है इस जगह पे ठीक है कोई पोजीशन नहीं है मैंने 950 का कॉल सेल किया कितने बजे ट्वेल्व

बेसिकली समझ लो यहाँ पे ऑलमोस्ट शेडल बनने ही वाला था ऑलमोस्ट शेडल बनने ही वाला था कि मैंने मार्केट का वेट किया टिल दिस पॉइंट ये ग्रीन एरिया देख रहे हो अब यहाँ पे मेरा वेटिंग क्यों था यहाँ आया मैंने ऑलमोस्ट अपना कॉल इस एरिया में बुक कर लिया है अब वापस से इधर मेरे पास थोड़ा सा सपोर्ट है और ये देखो यहाँ पे जब मार्केट ने ये वाले स्विंग को वापस से क्रॉस किया ना और मुझे यहाँ पे वॉल्यूम दिखी तो मैंने सोचा कि चलो अब वापस से जो मॉर्निंग में हम करना चाह रहे थे उसको हम वापस से बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं ठीक है तो पहले तो मैंने फिफ्टीन सेवन हंड्रेड बेचा था ठीक है बट फिफ्टीन सेवन हंड्रेड का अब वो दो बार का कैसे खा के गुर्दा नहीं बचा ना तो दो बार लॉस बुक करने के बाद ऑलमोस्ट हम इक्कीस हज़ार के लॉस तक पहुँच गए एंड एट द एंड फिर मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई दिस कि एक काम करते हैं जैसे ही मार्केट इस एरिया को क्रॉस करेगा मैं अपना कॉल काट दूंगा ठीक है तो यहाँ पे आप देखोगे एक चालीस एक चालीस में आप देखना मैंने अपना यहाँ पे कॉल उड़ा दिया होगा कॉल पुट के स्ट्रैंगल से एक चालीस दिख रहा है ये देखो फिफ्टीन एट फिफ्टी का कॉल बाई बैक फिफ्टीन एट फिफ्टी कॉल बाई बैक वन फोर्टी ठीक है और यहाँ पे जो मेरे पास सेवन फिफ्टी क्वान्टिटी में पुट ऑलरेडी थे सिक्स फिफ्टी का पी ये देखो 137 पे जो मैंने बेचा है उसमें मैंने 150 फिफ्टी क्वान्टिटी और ऐड कर दी तो टोटल तो कितना हो गया 750 फिफ्टी प्लस वन फिफ्टी की क्वान्टिटी एट द टाइम ऑफ 143 फोर्टी ये रहा 143 ये इसी कैंडल पे एक्चुअली सेम कैंडल पे मैंने 143 पे पुट में एडिशन किया और मेरे पास सिर्फ इस वक्त क्या है 15650 का एम आई एस ऑर्डर नाइन हंड्रेड का ऑलमोस्ट 138 के आसपास सेल और मैंने इसको बुक किया है ऑटो स्क्वायर ऑफ है ये पोजिशन 15 टू 25 पे मतलब तीन पच्चीस पे लगभग ऑटो स्क्वायर ऑफ ऑटो है और मैंने सिंगल इसी वाले पोजीशन पे 650 के पी पे हमने लगभग 75,000 के आसपास पास बुक किए ये रहा देखो 650 का पी 76,000 के आसपास तो बस इतना सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मार्केट ने पहले मेरा बुलिश व्यू गलत किया फिर मेरा यहाँ पे बेरिश व्यू भी गलत किया मार्केट ने यहाँ पे देखो डाउन साइड में जाने के बाद वापस से मार्केट ने बाउंस बैक किया बट यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक थी कि यहाँ पे देखो मैंने वॉल्यूम में 20 का एम लगा रखा है वॉल्यूम बेसिकली आफ्टर एक चालीस ही आप देखोगे ऊपर की तरफ टेंड करने लगी और उसके पहले ना कोई खास वॉल्यूम नहीं थी इस कैंडल पे वॉल्यूम दिखी ये जो कैंडल आपको दिख रही है ये जो कैंडल आपको दिख रही है यहाँ पे वॉल्यूम थी बट जब मार्केट ने उसके बाद यहाँ पे फिर से लो बनाया तो यहाँ पे वॉल्यूम क्यों नहीं है तो सिंपली लोग यहाँ पे रेडी नहीं थे उतना प्रेशर से सेल करने के लिए तो इसी वजह से मैं अपने पुट पे डटा रहा और मार्केट जैसे जैसे यहाँ पे ऊपर जाती रही मैं सिक्सटीन एट फिफ्टी कॉल एट फिफ्टी का कॉल और सिक्सटीन सिक्स फिफ्टी के पुट में था ठीक है इस जगह पे ये वाले एरिया में मेरे को बस इतना चाहिए था कि मार्केट जैसे ही इसको क्रॉस करेगी मैं इस कॉल को काट दूंगा जो भी लॉस होगा उसको मैं ले लूंगा इस कॉल को काट दूंगा फिर ओनली पी बचा के रखूंगा एंड दैट वाज द मेन पर्पज जैसे ही मुझे यहाँ पे वॉल्यूम कंफर्मेशन मिला मैंने 150 फिफ्टी और एड कर दी और टोटल नाइन हंड्रेड कर दी पुट की उसके बाद मार्केट एक भी बार आप देखोगे रुका नहीं क्लियर मुझे थोड़ी देर के बाद प्रॉफिट दिखा लगभग ट्वेंटी टू थाउजेंड ठीक है मैंने सोचा कि अब मैं इसको लगभग ट्वेंटी टू थाउजेंड है मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कैसा लगाता हूँ कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास रहेगा तो ठीक है तो कॉस्ट टू कॉस्ट अब देखो मैं बिल्कुल वॉच करता रहता हूँ पूरा फुल टाइम तो मैं देख रहा था कि अगर ये जीरो हुआ वापस से तो मैं वापस से क्लोज करके फिर आगे देखेंगे क्या करना है बट जीरो ना होते हुए ऑलमोस्ट एक हजार या डेढ़ हजार रुपये बच्चे थे वरना वो जीरो तक पहुँच ही गया था इस एरिया में जब ये रिट्रेसमेंट हुई ना अदरवाइज देन उसके बाद वो बिल्कुल स्मूथली ऊपर जाता चला गया चला गया चला गया आज मैं बुक कर सकता था एक टाइम ऐसा भी आया था कि मैं बिल्कुल बुक करने वाला था बट मैंने ये सोचा कि आज मार्केट वापस जाना स्टार्ट किया है और एक भी ऐसा कैंडल नहीं बन रहा है कि नीचे की तरफ का वो हो तो मैंने सोचा चलो लास्ट तक बिल्कुल राइड करते हैं और देखते हैं क्या होता है लास्ट तक करते करते ऑलमोस्ट फिफ्टी फोर थाउजेंड का प्रॉफिट दिखाया इसमें एंड इट वॉज क्लीन ठीक है तो हमने यहाँ पर बुक किया ऑलमोस्ट फोर्टी नाइन फिफ्टी थाउजेंड ठीक है और आप स्मॉल अकाउंट में देखोगे स्मॉल अकाउंट एकदम क्लीन कोई टेंशन वाला काम नहीं स्मॉल अकाउंट में ओनली टू ट्रेड्स ठीक है पहली ट्रेड आप देखोगे सेम ट्रेड होगी फिफ्टीन फाइव हंड्रेड का पी थोड़ा दूर का तीन सौ क्वान्टिटी एट्टी सिक्स रुपीज़ पर मैंने सेल किया मैंने वापस से बाईब कर लिया उसको एट्टी एट ठीक है दो रुपये का लॉस ठीक है यहाँ पे उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे मैंने आ, सेवन फिफ्टीन सेवन हंड्रेड का जो पुट था उसको वापस से बेचा वन फोर्टी नाइन पे मैंने उसमें फिर से लॉस बुक किया वन पे ऐसा करके टोटल लॉस थर्टी फाइव हंड्रेड के आसपास पहुंच गया और आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है पहले पुट में लॉस बुक किया वापस उसके बाद फिर पुट सेल किया फिर लॉस बुक किया तो मैं चांस ले रहा था कि मुझे आज पुट ही बेचना है मैं बुलिश था मॉर्निंग से ठीक है मार्केट ने बस मौका नहीं दिया बट एक बज के पचास मिनट में जब मैंने बड़े वाले अकाउंट में भी ट्रेड डाली उसी टाइम पे मैंने 300 क्वांटिटी का 88 पे 15500 जो सुबह बेचा था 86 पे सेम क्वांटिटी सेम प्राइसिंग सेम स्ट्राइक मैंने एक पचास पर बेची और इसकी भी बुकिंग कहाँ पे है इसकी भी बुकिंग है तीन पच्चीस पे लगभग तीन पच्चीस ऑटो स्क्वायर ऑफ़ ये भी है ठीक है पोजीशन आप देखोगे हमने इसमें लगभग तेरह हज़ार रुपये बुक किए मॉर्निंग के लगभग तीन हज़ार रुपये का जो लॉस था ओवरऑल वो कवर अप करके लगभग टेन थाउजेंड का प्रॉफ़िट हुआ इसमें तो हमने ओवरऑल आज सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का प्रॉफिट किया ठीक है थीके? और अब हम बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे हमारा फोर्टी सेवन डे था आज पक्का फोर्टी सेवन था फोर्टी फिफ्ट डे था फोर्टी फिफ्ट डे था आज हमने फोर थर्टी वन कर लिया है ऑलमोस्ट सिक्सटीन पॉइंट सिक्स परसेंट हो गया है एट परसेंट दो महीने का अगर देखा जाए ठीक है इक्कीस दुनिया अड़तालीस अभी दो दिन बाकी हैं दो महीने में सिक्सटीन परसेंट एट परसेंट पर मंथ है और हमने ये ऑल टाइम हाई यहाँ ब्रेक कर दिया है हमारा ड्रॉ डाउन हम रिकवर कर चुके हैं लेटेस्ट सिंपली इसमें थोड़े से और काम भी हैं ये जो हमने ट्रेड्स नहीं कई दिन मतलब फ्राइडे मंडे फ्राइडे मंडे जो हम थोड़ा शांति से बैठते हैं ना उसका भी बहुत बड़ा हाथ है इस ड्रॉडाउन को कम करने का अगर फ्राइडे मंडे भी हम हाथ जलाते हैं ना तो हो सकता है कि अभी हम यहाँ पे नहीं पहुँचते ठीक है बट थोड़ा थोड़ा कभी कभी डिसाइड करना पड़ता है कि फ्राइडे uh, मंडे ये आजकल सही नहीं चल रहे तो मत करो बाद में देखी जाएगी कौन सी बहुत बड़ी बात है ठीक है तो वो चीज़ यहाँ पे मैंने नहीं की और उसकी वजह से हम थोड़ा सा बचे हुए हैं ठीक है तो रिसेंटली आप देखोगे हमने फिर से एक स्ट्रीक अच्छी बना ली है अब देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है ठीक है अगेन आई एम जो मतलब अ लिटिल बुलेज जैसे मैं आपको दो दिन तीन दिन से एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक घंटे का चार्ट अगर मैं अभी यहाँ पे ओपन करूंगा तो मैंने कल अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो देखना मैंने कल ही एक्सप्लेन किया था कि मार्केट अपने मूविंग एवरेज से बहुत दूर जा रहा है ठीक है और मार्केट में जो न्यूज़ वगैरह थी वो सब वो डाइजेस्ट कर चुका है ऑलरेडी ठीक है और फिर भी मार्केट बार बार नीचे को जा रहा है तो चांसेज आर वेरी हाई कि मार्केट एक शार्प मूव एक बहुत तेज मूव से ऊपर की तरफ कवर अप करेगा और उसे हम पकड़ नहीं पाएंगे ठीक है तो इसीलिए मैंने आज दो तीन ऐसे लिए कि मैं सही हूँ कि मुझे ऊपर जाना है मार्केट बुलेशे मैं वही ट्रेड करूंगा अगर 30 पैंतीस हज़ार का लॉस होता तो मैं बुक कर लेता खत्म बात अपन सो जाते वापस उसके बाद ठीक है बट मार्केट बार बार मुझे एक चांस दे रहा था कि हाँ ठीक है हाँ ठीक है और मार्केट में जब वॉल्यूम दिखी मैंने ट्रेड की क्वांटिटी बढ़ाई एंड काम खत्म अभी आगे के लिए देखो आगे के लिए अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा जो अपना ये गैप एरिया है ना गैप एरिया फिल कर सकता है मार्केट मार्केट को बस सस्टेन करना पड़ेगा सिक्सटीन मतलब 15350 के ऊपर 15350 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो वापस से हमें एक बुलिश मूव कल भी देखने को मिल सकता है अदरवाइज़ हमें यह देखना है कि ये अब ब्रेक ना हो ठीक है एक घंटे की कैंडल है मैं अगर इंटरडे टाइम फ्रेम आपको पंद्रह मिनट में दिखाऊँ पंद्रह मिनट में, में मार्केट का बाउंस बैक किस एरिया से है लगभग 15700 के आसपास से 15700 ठीक है और ब्रेकआउट हुआ है 15900 पे तो 15900 विल बी द बेटर एरिया देखते हैं कल अगर गैप अप खुल गया तो मैं थोड़े से रिट्रेस के बाद वापस से पी बेचूंगा अदरवाइज कल के मार्केट पे देखते हैं देखो ओपन होने के बाद मैं सारा कुछ देख कर सकते हैं अदरवाइज अभी से मैं क्या ही डिसाइड करूं क्या होगा क्या नहीं आजकल कोई ऐसे काम नहीं कर रहा है मार्केट जिस हिसाब से इंटरडे में काम करे उसको वैसे ट्रेड करो और आराम से काम हो जाएगा ठीक है तो चलो अभी के लिए चलते हैं ठीक है आज काफ़ी अच्छा दिन था ठीक है जिसे आ, इंटरडे पर चैलेंज फॉलो करना हो या कुछ सीखना हो तो वीडियो से थोड़ा सा सीखने का ट्राई करो और एक एक लॉट से ट्राई करने का ट्राई करो देखो दो टाइप की ट्रेडिंग होती है एक होती है डायरेक्शनल एक होती है इंटरडे आज मैंने डायरेक्शनल फिक्स कर रखा था कि मैं करूंगा इसलिए मैं एक साइड बेचने का ट्राई कर रहा था आपने देखा होगा बीच में मैंने स्ट्रैंगल भी बेचा क्योंकि वो आदत से नहीं जाता है ठीक है तो मेरा जैसे स्टाइल है कि मैं नॉन डायरेक्शनल करता हूँ और फ्राइडे मंडे अगर मिल गया तो डायरेक्शनल किया आप अपना पहले स्टाइल पकड़ो कि अगर आपका स्टाइल नॉन डायरेक्शनल है तो आप यू कैन बेसिकली फॉलो दिस वीडियो ये वीडियो आपको दिख रहा है ये सिक्सटी थी थाउजेंड व्यूज हैं ये वाला इंट्राडे स्ट्रैंगल ऑप्शन सेलिंग आप इस वीडियो को फॉलो करो अगर आप नॉन डायरेक्शनल बंदे हो ठीक है अगर आप नॉन डायरेक्शनल नहीं हो आप डायरेक्शनल फॉलो करना चाहते हो तो आप ये इंट्राडे स्ट्रगल वाले को भी फॉलो कर सकते हो अदरवाइज ये रहा इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी डायरेक्शनल जो मैंने तीन वीक पहले एक वीडियो डाला था ये भी बहुत सक्सेसफुली आप कर सकते हो आपको यहाँ पे वॉल्यूम एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी प्राइस एक्शन फॉलो करो वॉल्यूम फॉलो करो और आपका काम हो जाना है ठीक है एंड ट्राई करो कि फॉलो करते रहो होता है कभी कभी लॉस देता है यार डायरेक्शनल में अगर मान लो जैसे आज एल्गो वाले लोग होंगे एल्गो वाले लोग आज मतलब मैनेज नहीं कर पाए होंगे पता है क्यों क्योंकि एल्गो के लिए क्या है ऊपर का उसने कॉल का एसएल हिट किया उसके पास ओनली पुट बचा होगा पुट का एसएल अब यहाँ पे जाके पुट का एसएल ले लिया उसने दोनों साइड के एसएल हिट हो गए अब मान लो अगर री एंट्री फेज है तो यहाँ पे मार्केट ने री एंट्री की होगी वापस से री एंट्री में फिर से स्ट्रडल डला होगा स्ट्रडल में फिर वो कॉल का एसएल ले गया एंड देन जाके पुट में थोड़ा सा फायदा हुआ तो एट द एंड अगर बचा भी होगा तो कोई री इंट्री वाला बंदा है तो उसके लिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट बचा होगा अदरवाइज कोई री इंट्री वाला नहीं है वन साइडेड फॉलो करता है तो समझ लो गेम ओवर होने वाला काम है आज फिर से लॉस हुआ होगा ठीक है तो डायरेक्शनल फॉलो करने के भी एक टेक्निक है आप अगर मैनुअल ट्रेड करते हो तो उसके भी बहुत फायदे हैं और अगर एल्गो के साथ ट्रेड करते हो तो उसके भी अलग फायदे हैं तो इट इज़ डिपेंडेबल हाउ यू ट्रेड मुझे ऐसे मैनेज मतलब मजा आता है मतलब मैनुअल ट्रेड करने में तो इसलिए मैं ऐसे करता हूँ ठीक है चलो अगर मजा आया हुआ वीडियो में अगर थोड़ा बहुत समझ में आया हो कि कब क्या एसएल हिट हुआ और कब कहाँ पे आपको पोजीशन साइजिंग बढ़ा के ट्रेड लेनी चाहिए देखो वॉल्यूम अगर आपको मौका दे रही है और ट्रेड में ये जो आपको दिख रहा है कि बुलिश मूव आया है तो आप एक लो एक तरीके का हिट एंड ट्रायल मैथड अपनाना पड़ता है ऐसे वॉल्टाइल टाइम में अगर आप स्कैल्पिंग की ट्रेड नहीं लोगे और उसमें थोड़े बहुत एसएल नहीं खाओगे तो बड़ा प्रॉफिट नहीं बनने वाला क्लीन अब देखो मेरे लिए मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर हो गई है मैं फिर से कल मॉर्निंग में एक डायरेक्शनल ट्रेड लेने का ट्राई करूंगा अदरवाइज कल वेडनेसडे है मैं स्ट्रेंगल स्ट्रेंगल भी खेल सकता हूँ ठीक है तो वेडनेसडे थर्सडे कल मैं एक्सपायरी के लिए वीडियो आएगा तो कल देखते हैं अदरवाइज टाटा बाय बाय एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना सी यू